तुम्हें मैंने कहा था कि बाकायदा रिश्ता लेने के लिए अपने वालदैन को साथ लेकर आओ। अंकल वो मॉम और डैड ने कहा है कि आपका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता। तो फिर तो तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था। आप मेरे साथ दोस्ती करने के लिए इतने बेइज्जत क्यों हैं? जबकि बकौल आपकी सिस्टर के हमारे स्टेटस पे तो बहुत फर्क है ना। लेकिन मुझे किसी फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले कभी करता था। बस ये नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो। फराजी तुम यहां कहां? तुमने तो अपनी खालाजाद से शादी कर ली होगी ना। इस अंधेरे को मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि बदले की आग से मैं अनिला की जिंदगी भी चलाकर राख कर दूं। मैं इसको जीने नहीं दूंगा। जिंदगी बहुत जालिम है बेटा, कब तक मुकाबला करती रहोगे? जब हम सफर रास्ते की राहत बनने के बजाय रास्ते का कांटा बन जाए तो जिंदगी अकेले गुजारना ही बेहतर। मैं तो हमेशा तुम्हें याद करती रही, बस जिंदगी की उलझनों में कुछ ऐसे फंस गई कि तुमसे दूर होकर भी दिल हमेशा पास ही रहे, नजरों से दूर होकर दिल हमेशा पास पास ही रहे, मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। देखो मैं गलत फहमियां नहीं पालता हूं, बाप हूं तुम्हारा, ये तुम्हारे माथे की शिकन है ना, ये देखकर बता सकता हूं कि तुम परेशान हो। कम ऑन। ठीक है डैड, मैं इस बारे में आपसे फिर बात करूंगा। शुक्र है तुमसे मुलाकात तो हुई यार। मुझे भी काफी खुशी हो रही है अंकल। ये बताओ तुम कराची आके मेरे पास क्यों नहीं आए? अंकल मैं काम के सिलसिले में आया हूँ, किसी की तलाश है मुझे, दुआ कीजिए कि वो शख्स मुझे मिल जाए। वही तलाश तो तुम मेरे घर पर रहकर भी कर सकते हो ना, इस तरह तुम अपनी तलाश ज्यादा आसानी से जारी रख सकते हो। आप फिक्र ना करें अंकल, मैं जरूर आऊंगा। आओगे नहीं, तुम्हें मेरे घर पर ही रहना है भाई। अंकल एक काम में बिजी हो, वो हो जाए उसके बाद तो आपके ही डिस्पोजिबल पर हो। फिर वही जिद, तुम्हें काम से कौन रोक रहा है? काम करो जो करना, पर मेरे घर पर रहकर करोगे। यार कब तक अकेले भटकते रहोगे? जी अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हमजा की तरह अदील भी तुम्हारा भाई है। जी जी अंकल, है ना? तुम्हारे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? वो उन्होंने आने से मना कर दिया। जब वो नहीं आए तो तुम क्यों आयो? मैं अब्बा को क्या जवाब दूंगी? अरे अब्बा को मनाने के लिए मैं हूं ना। तुम अंदर चलो, अंदर चलो ना। मैं हूं, चल आगे चलो। ठीक लग रहा हूं ना? अरे मेरी बात तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम। कल वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग कहाँ हैं? अंकल मैं अकेला ही आया हूँ। तुम्हें मैंने कहा था कि बाकायदा रिश्ता लेने के लिए अपने वालदैन को साथ लेकर आओ। अंकल वो मॉम और डैड ने कहा है कि आपका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता। तो फिर तो तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन आंटी मैं अमना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अंकल मैं शादी भी आमने से ही करना चाहता हूँ, चाहे मेरी फैमिली माने या ना माने, मैं आमना को लेके अलग रह लूंगा। ठीक है, फिर हमें सोचने के लिए कुछ वक्त दो।
अब हमारी सर्विस ऑर्डर को मैच नहीं कर पा रही। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इस तरह तो केटरिंग का बहुत नाम खराब होगा। अकेले अदील साहब के इतने ऑर्डर्स है कि हमें बाकी कस्टमर्स को रोकना पड़ता है। तो फिर क्या करें, उनके ऑर्डर्स रोकते? नहीं मैडम, ये भी ठीक नहीं है। फिर तुम्हें बताओ क्या करें, तुम जानते हो मैं अकेली हूँ, कितना काम कर सकती हूँ। इसका एक आसान सा हल मौजूद है, लेकिन आप पता नहीं क्यों उस पर गौर नहीं करती। कैसा हल? मैडम अगर आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो आपको चाहिए अपने साथ अब कुछ वर्कर्स रखें। इस पे गौर किया जा सकता है। कम से कम एक वर्कर तो रखें, जैसे हमने अपने साथ राइडर्स रखे हैं। ठीक है, तुम्हारी नजर में कोई अच्छी शेफ हो तो उसे मेरे पास ले आना। जी मैं आपको इतला करूंगा। अभी तक के ऑर्डर्स की क्या पोजीशन है? अल्लाह आपको सतयाब रखे, अभी तक तो आपकी मेहनत से हम सारे ऑर्डर्स वक्त पे डिलीवर कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तुम क्या कहती हो? सच्ची बात तो यह है कि वो लड़का मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ तुबा, मुझे भी उस पर शक हो रहा है। हम आमना का हाथ ऐसे किसी राह चलते के हाथ में थोड़ी दे सकते हैं। मुझे तो वो खुद किसी गरीब घर का लगता है। और हकीकत यह है कि किसी भी जावे से वो मुझे अमीर घर का लड़का नहीं लगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? अमीरों का बिहेवियर कुछ अलग होता है। हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है। जी आप एक काम करें, आप उस लड़के से कहें कि बेशक उसके माँ बाप मानते हैं या नहीं मानते, कम से कम एक बार तो अपने माँ बाप से मिलवा दे। हाँ ये मशवरा अच्छा है तुम्हारा। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। हाँ ना, उसके माँ बाप हैं भी या वैसे ही हमें धोखा दे रहा है। इस तरह सारी छानबीन भी हो जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि माँ बाप से अलग होने के बाद वो क्या काम करेगा। सारा बिजनेस तो उसके बाप का है। बिल्कुल, ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। जाहिर है मुझे लगता है कि आमना और शगुफ्ता उससे बहुत मुतासिर है। वो तो बकौल आपके सलीम से भी मुतासिर थी। दोनों माँ बेटी बहुत लालची हैं। पैसा पैसा पैसा, बस ये पैसा ही उनकी कमजोरी है, इसीलिए तो दोनों मुंह की खा रही। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा दूं। जी बस अब यही करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सो गया अली? हाँ सो गया। आपको पता ना सोते हुए कितना सताता है, और सुबह फजर में ही उठ जाता है। बाज़ बच्चे रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं, और बाज़ रात को जागते हैं और पूरा दिन सोते रहते हैं। लेकिन इस लिहाज से हमारे अली के सोने की टाइमिंग तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ इस लिहाज से तो नॉर्मल है। अच्छा अनिला, मुझे मुख्तार बता रहा था कि तुम्हें ज्यादातर ऑर्डर अदील की जानिब से आ रहे हैं। हाँ मैं यही सोच रही हूँ, पता नहीं वो हम पे इतना मेहरबान क्यों है। तुम्हारे मसालों की खुशबू खींच लाती है उसे। मुझे तो इससे आगे की बात नजर आती है। कुछ भी कहो, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। नहायत ही नफीस और शरीफ, तकब्बुर तो उसको छूकर भी नहीं गुजरा। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी मेहरबानियाँ। शायद वो तुम पर इसलिए मेहरबान है कि तुम उस पर मेहरबान हो जाओ। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसमें हर्जी क्या है? वो तो बस दोस्ती करना चाहते हैं। ये तो और अच्छी बात है।
तुमने क्या जवाब दिया उसे? क्या कहना था, यही कहा कि मेरे पास इन फजूलियात के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जिंदगी को जीने के लिए कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना पड़ता बेटा। खैर वो बात की बात है। मुझे आप लोगों को बताना था कि मैं अपने लिए एक हेल्पर रख रही हूँ, मैंने मुख्तार से कहा। ये तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम आखिर कब तक अपना बोझ उठाते रहोगी? काम काफी बढ़ रहा है इसलिए रख रही हूँ, अब अल्लाह करे इतनी तरक्की भी हो। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, मेरी दुआ है कि आप अपना सेंटर अलग खोल दो। आमीन आमीन। अब कुछ खाने वाने का हो जाए? हाँ तो आप चेंज तो करें, मैं खाना लगवा। चल चलिए उठिए। किस सोच में डूबी हो अम्मा, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। है तो नीना, अरे परेशानी में आदमी ऐसी सोचता है। तो वही तो पूछना चाह रही हूँ कि क्या सोच रही हो। हाय बड़ी कड़की चल रही है। तो तुम्हें कौन सा शॉपिंग करनी है जो कड़की के बारे में सोच रही हो? मुझे देखो, इतने दिनों से अपने लिए कुछ लिया भी नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ही कड़की के बारे में सोच रही हूँ। अम्मा तुम कितनी अच्छी हो ना, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हाय बस इसीलिए तुझे मेरा एक काम करना है। सारा दिन वो सौतेली काम काम करवाती है, अब तुम भी काम करवा लो मुझसे। अरे इस काम में हम दोनों का फायदा है ना। फायदा? जल्दी बताओ ना क्या फायदा है। तू ना अनिला को फोन कर, उससे कुछ नहीं होगा, बेकार है वो। क्यों बेकार है भाई? मैंने कई बार अनिला को फोन किया है लेकिन उसका नंबर बन जाता है, लगता है उसने नंबर बदल लिया है। अच्छा फिर तो तुम्हारा काम बढ़ गया। अब तुम एक काम करो, तुम रशीद के मोबाइल में से कोई नंबर निकालो अनिला का, और उसके बाद उसको ट्राई करके देखो। मौका देख के? मौका भी मिलेगा, बस तू देखती जा, क्योंकि शगुफ्ता नाम है मेरा। अम्मा तुम्हारे हाथ की मालिश कर करके ना मेरे हाथ थक जाते हैं। हाँ सही से करना बेटा, ये तो बहुत बेहतर हो गया है। अचानक से आ गई, सुना तो नहीं ना, मैंने देख लिया था यहाँ से आते हुए, जब ही चुप हो गई। हेलो जी, मैं अदील बात कर रहा हूँ। जी अदील साहब, कैसे फोन किया? एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी, आई होप कि आपने मेरी उस दोस्ती की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया या नहीं, बस यही जानना चाहता था। अदील साहब मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ जो दोस्तियाँ वगैरह करे जिसके पास इतना टाइम हो। मैं जानता हूँ कि आप बहुत सुलझी खातून हैं, एंड ट्रस्ट मी मैं किसी गलत नियत से नहीं कह रहा था। दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता है, मगर सिर्फ उसके लिए जो इसके मायनों का समझे। जी हाँ, मैं वो माने समझ के ही आपसे बात कर रहा हूँ। निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मेरी दोस्ती को आजमा कर तो देखें, अगर पूरा ना उतरा तो फिर शिकायत कीजिएगा। अब मैं आपसे कैसे कहूँ, हमारा माशरा इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि मर्द औरत की दोस्ती को अच्छी नजर से देखे। मेरा ख्याल था कि आप उम्र के उस हिस्से से बाहर आ गई हैं जिसमें माशरे और जमाने के बारे में सोचा जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मेरे साथ दोस्ती करने के लिए इतने बेइज्जत क्यों हैं, जबकि बकौल आपकी सिस्टर के हमारे स्टेटस पे तो बहुत फर्क है ना। लेकिन मुझे किसी फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू श्योर कि नहीं पड़ता? जी हाँ, जरूरी तो नहीं है
کہ میں اپنی بہن کے خیالات سے اتفاق کروں؟ ہاں ضروری تو نہیں ہے. چلے میں آپ سے باتیں بات کرتی ہوں. ابھی مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. کبھی اپنی ماں کی بھی فکر کر لیا کرو, گھر کے سارے کام یاد آتے ہیں. تو کیا سارا دن تمہاری گود میں چڑھ کے بیٹھی رہوں, کام نہ نپٹاؤں؟ گھر کے کام نہ نپٹاؤں نا تو تم تو جانتی ہو اپنی سوتن کو سیدھی میری چٹیاں پکڑتی ہے. اس کو تو میں اچھی طریقے سے دیکھ لوں گی. تو کب دیکھو گی؟ جب وہ میرے بال کھینچ کھینچ کے مجھے گنجا کر دے گی. اللہ نہ کرے, گنجا تو اس کو میں کروں گی. اب تو تم اٹی کٹی ہو گئی ہو اماں, دکھاؤ نا اپنا کوئی جلوہ. دکھاؤں گی, ضرور دکھاؤں گی. ہر کام نا اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے, اور ویسے بھی سادہ گرم کھانے سے نا منہ جل جاتا ہے. پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا. بس آیا ہی سمجھو. اماں تب تک نا میرا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا. ارے کچھ نہیں ہوتا, اب تک بھی تو تم اس ڈائن کے ظلم سہ کے زندہ ہو نا. مجھ سے پوچھو کیا کیا بیتتی ہے اس ننھی سی جان پر. اور اماں تھوڑا آہستہ بولو, اگر سن لیا نا اس نے. ہائے میرے بچے, بس تھوڑے دن کی بات ہے, مجھے تھوڑا سا وقت دے دے. لے لو بھائی لے لو اماں وقت بھی. چلو میں بھی دیکھتی ہوں. اچھا تم نے انیلا کا فون نمبر نکالا یا نہیں؟ کہاں اماں, ابھی تک موقع نہیں ملا. اچھا خیر کوئی جلد بازی نہیں ہے, مگر جلدی کر لینا کیونکہ میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیا تم نے باتوں میں لگا دیا, سارے کپڑے بھی تیار نہیں ہوئے, بھئی سالن بھی بنانا ہے. اچھا رکو رکو میں جلدی سے کرواتی ہوں. چل تو جلدی جلدی کر, کوئی آ نہ جائے نا. میں ایسے ہی پاکستان واپس نہیں آئی. جب مجھے پتا چلا تمہاری بے وفائی کے بارے میں تب میرا ارادہ اور بھی پکا ہو گیا. And I have decided کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. Oh really? تمہارا بریک اپ ہو گیا؟ Oh I'm sorry. ویسے کوئی سمجھدار لڑکی ہوگی. ہاں exactly. کیونکہ سمجھدار عورت تمہارے ساتھ زیادہ دیر رہ نہیں سکتی. وہ تو میں تھی جو اتنا ٹائم میں نے تمہیں اپنی زندگی کا دیا. میں تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی. ایک بار کو بار بار بولنا بند کرو. ایکسکیوز می, مجھ پہ اپنا حکم مت چلاؤ. تم اچھی طرح جانتے ہو میرے نیچر اور میرے ٹیمپر کو. یو نو واٹ, تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب فیصلہ میں کروں گی. اوکے ہو تم؟ اتنی صبح سویرے بلا لیا اور خود غائب. ارے ہاں ہاں بس میں پہنچتی ہوں, وہ گھر میں سو کام ہوتے ہیں. اور جلدی آؤ, انتظار کر رہا ہوں تمہارا. ارے نہیں, میں نے کہا نا میں بس گھر سے نکل رہی ہوں, پلیز تھوڑا سا ویٹ. فکر تو ہوگی نا جب تم اتنا لیٹ کرو گی. جلدی آ جاؤ, ویٹ کر رہا ہوں تمہارا.
तब तक खामोश बैठी रहोगी, कुछ कहोगी नहीं? बोलने के लिए बाकी क्या बचा है अब? क्या हो गया यार, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है तुम्हारी बातें सुननी। जानती हो मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले कभी करता था। बस ये नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो। शायद तुम जानते नहीं, ये मोहब्बत की चिंगारी एक बार दिन में भड़क उठे ना तो उसकी हरारत जिंदगी भर महसूस होती है। ये बात तो सच है। और सुनाओ जिंदगी कैसी चल रही है? कुछ मत पूछो कि कैसे गुजरी, गुजरी भी या मैंने कैसे गुजारी। जिंदगी की तकलीफें इतनी है कि गिनू भी तो बता नहीं सकती। किसी की औलाद को पालना आसान नहीं होता, और मैं तो एक गवर्नेस और एक नौकर बन के गई थी ना उस घर में, तो सोचो कैसी गुजरी होगी। तो अब कहाँ है तुम्हारी वो सौतेली बेटी? शादी हो गई उसकी और मेरी एक बेटी है। और अपनी सगी बेटी की शादी के बारे में क्या सोचा? नहीं अभी तो नहीं, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिला तो जरूर सोचूंगी। तुमने मेरे बारे में घर में किसी को कुछ बताया? अरे नहीं नहीं, अभी तक तो किसी को कुछ नहीं बताया। जैसा तुम मुनासिब समझो। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तकल्लुफ नहीं करो। तुम्हारे नखरे जो है ना मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझी ना यार। बॉय प्लीज। रशीद मुझे लग रहा है नहा रहे हैं, और वो तो अभी सौदा लेने गई है। निकालती हूँ पासवर्ड। तुझे पता? नहीं मुझे पता है, मुझे पता है, मैं निकालती हूँ। खुल गया, जल्दी से निकाल निकाल नंबर निकाल निकाल ना जल्दी। हो गया काम अब से ना? अच्छा हो गया, ये तो बहुत। अम्मा अनिल को कॉल मिलाओ। पागल हो क्या? अभी मौका थोड़ी है, बाहर जाके अंदर जाके अपने कमरे में मिलाएंगे। रख दो रख दो। इसका जो है ना, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो कुछ तुम? नथिंग दैट, नथिंग रिगार्डिंग बिजनेस, जस्ट पर्सनल। बेटा चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। समझ नहीं आ रहा डैड क्या करूं। वो कहते हैं ना बेटा, जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो दीवारों से भी मशवरा कर लेना चाहिए। फिर मैं तो तुम्हें दीवारों से बेहतर मशवरा दूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज डैड रहने देना। यार ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे सामने इतने अफसरदा दिल गिरफ्तार बैठे रहो और मैं परेशान नहीं हूं। आई नो डैड कि आप बहुत फ्रेंडली हैं, बट यार लेकिन वेकिन को गोली मारो, जो बात है कह दो, फिर जो होगा देखा जाएगा क्या सोल्यूशन निकलता है। अनिला है ना,
क्या हुआ अनिला को? नहीं उसे कुछ नहीं हुआ है, बट एक्चुअली मुझे अभी पता चला है कि अनिला एक बच्चे की माँ है। What? एक बच्चे? यानी वो शादीशुदा है? Yes, Dad, वो शादीशुदा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब तुम्हारी समझ में क्या नहीं आ रहा है बेटा? यही डैड कि अगर वो शादीशुदा है तो अपने शौहर के साथ क्यों नहीं रहती? बेटा उसकी उसके शौहर से कोई अनबन चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं डैड, as far as I know अनिला लड़ाई झगड़े वाली नहीं है, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की लड़की है। बेटा इंसान जितना भी कॉम्प्रोमाइजिंग हो, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब उसे इंतहाई कदम उठाना पड़ता है। हो सकता है अनिला भी किसी ऐसे लम्हे का शिकार हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। सच बोलूं डैड, मेरे दिमाग में बिल्कुल अंधेरा छा गया है, समझ नहीं आता। आई एम रियली कंफ्यूज्ड। ऐसा लगता है मंजिल ने अपने पास बुलाकर दूर धकेल दिया है। देखो ऐसे में मेरा तुम्हें सिर्फ एक ही मशवरा होगा बेटा। तो क्या है? अनिला अगर शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ है, तुम्हें बेटा उससे फौरन दूर हो जाना चाहिए। यही तो मैं नहीं कर सकता यार। दुनिया किसी एक औरत पर खत्म थोड़ी हो जाती है बॉस। डैड अगर कोई इंसान आपके दिलो दिमाग पर बुरी तरह से छा जाए तो उसे दूर करना इतना आसान नहीं होता। देखो तुम बिजनेस पर फोकस करो, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। यही तो आप नहीं समझ सकते डैड। यू नो व्हाट, मैं जितना उसे खुद से दूर करता हूँ ना, जितना मैं उसे अपने जहन से दूर करता हूँ, वो उतनी ही शिद्दत से मेरे जहन पे सवार होती है। बेटा वीर रात काफी हो गई है, तुम सो आराम करो, हम सुबह इस पे बात करते हैं। हाँ देखता हूँ उसका क्या हाल निकलता है। ओके गुड नाइट बेटा। कोई आ रहा है। रफीक कहो क्या बात है? अब्बा अम्मा पूछना चाह रही हैं कि इस हार को क्या जवाब दिया जाए। भाई देखो इजहार ने जो यहाँ अकेले आके हरकत की है ना, वो बहुत मायूब है। और ऐसे थोड़ी होता है मुंह उठा के आगे अपना रिश्ता खुद लेने के लिए। और हम कोई ऐसे गिरे पड़े तो नहीं है, और ना ही तुम हम पर बोझ हो, समझी? फिर भी हाँ अब्बा आप साफ साफ बता दें, हम उसे कह देंगे। देखो आमना उनसे कहो शरीफाना और रिवायती तरीके से हमारे घर रिश्ता लेकर आए, हम भी तो देखें कि उनका घराना कैसा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू, हमें भी तो पता चले उनके अंदाज कैसे हैं, तौर तरीके कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं। अब्बा वो बहुत शरीफ लड़का है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि वो बदमाश है, बस उसका तरीका गलत है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मैं इजहार से बोल दूं अगर वो शादी के लिए वाकई राजी है तो वो अपने माँ बाप को लेके आ जाए। बस इतनी सी बात? ठीक है अब्बा मैं मैसेज कर दूंगी। इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम समझो तो। ऐसा ना हो कि सलीम की तरह तुम्हें दोबारा बेवकूफ बना के चला जाए वो, और तुम लोगों की तो आदत है बेवकूफ बनने की। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। हाँ ऐसा नहीं होगा। अदील मेरी तरफ इतना माइल क्यों हो रहा है?
मुझे किस रद्द अमल का इजहार करना चाहिए? क्या उसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए या मैंने बहुत मुश्किल से अपना नसीब लिखा है, क्या मैं फिर से अपना नसीब किसी और के हवाले कर दूं? इतनी आसानी से कैसे? और जब उसने ये सुना होगा कि मैं एक बच्चे की माँ हूं तो उसका क्या रिएक्शन होगा? मैं जानती हूं मर्दों के इस माशरे में अकेली औरत का गुजारा बहुत मुश्किल अमल है। डॉक्टर साहब और मम्मी ना होती तो शायद अब तक मैं एक माजी का किस्सा बन चुकी होती। ऐसे में अदील, मुझे बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। अकेली नहीं हूं मैं, मेरे साथ बेटा है मेरा। मुझे खुद से ज्यादा उसके बारे में सोचना होगा। देखती हूँ ये नसीब की गाड़ी मुझे कहाँ तक लेके जाती है। या अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है। मैं जो भी फैसला करूँ, अच्छा या बुरा, मेरे हक में बेहतर कर देना।